अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ये रेड कलर का बटन है, इसको जरूर क्लिक कीजिएगा, और ये बेल आइकन का जो बटन है इसको भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको मेरे हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ होममेड क्लीनर, फर्स्ट किचन क्लीनर एंड सेकेंड फर्नीचर क्लीनर। तो हम लोग किचन क्लीनर के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे। फर्स्ट एक ग्लास वाटर लेंगे, एक बड़ा चम्मच सॉल्ट, बेकिंग सोडा, विनेगर मींस वाइट छिरका, ये हम किसी भी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, मैं जो हूँ टॉप्स का यूज़ कर रही हूँ, और लिक्विड वार यूज़ करेंगे। ये इजीली होम्स में अवेलेबल होते हैं, लाइक ग्रोसर शॉप्स में भी इजीली ये मिल जाते हैं, इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ये बिल्कुल नेचुरल होते हैं, बिल्कुल हार्म नहीं होते। तो चलिए अब हम इनको बनाना शुरू करते हैं। हमने एक बाउल लिया है, हम इसमें 3 ml तक वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे, फिर सॉल्ट ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच, फिर इसमें हम बेकिंग सोडा 1 से 2 चम्मच, देन हम इसमें लिक्विड यूज़ कर लेंगे। हमने इसमें लिक्विड यूज़ कर लिया है, और क्या कहते हैं, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारा किचन क्लीनर जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम एक स्प्रे बॉटल लेंगे, स्प्रे बॉटल जो है वो इजीली शॉप्स पे अवेलेबल होती है, ये देखिए हम एक स्प्रे बॉटल यूज़ करेंगे। स्प्रे बॉटल जो है वो इजीली शॉप्स पे जो होती है अवेलेबल होती है, घर में कोई भी पुरानी बॉटल हो तो उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये जो है अपना क्लीनर इस बॉटल में अच्छे से डालते हैं, और गाइस इसको अच्छे से टाइटली बंद करके रखना है, और जब भी इसे यूज़ करना है तो अच्छे से शेक करके यूज़ करना है। इसको हम अच्छे से शेक करके ही यूज़ करेंगे गाइस, ये बहुत ही नेचुरल है। चलिए मैं एक बार आपको इसको यूज़ करके भी बता देती हूँ। तो मैं इसको काउंटर टॉप पर यूज़ करने जा रही हूँ गाइस, ये बिल्कुल नेचुरल है। देखिए अब मैं हल्का सा इसको शेक करके, और इसको मैंने हल्का हल्का काउंटर टॉप पे डाल लिया है। हम कोई भी टिश्यू पेपर, कोई भी पुराना कपड़ा या किचन वाइप्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और अच्छे से इसको करके, और ये देखिए गाइस हमारा अच्छे से इसे इजी हाथ से साफ करना है। सेकंड वुडन फर्नीचर क्लीनर, जिसके लिए हमें ऑलिव ऑयल, में जैतून का तेल, विनेगर और एक स्प्रे बॉटल चाहिए। स्प्रे बॉटल इजीली हम लोग होम्स में मिल जाती है। एक ग्लास हमने लिया है, हमने इसमें वाटर ऐड कर लिया है 2 से 3 ml, फिर हम इसमें विनेगर ऐड कर लेंगे 1 से 2 ढक्कन, उसके बाद हम इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। हम इसमें अब ऑलिव ऑयल ऐड कर लेंगे 1 स्पून, और इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। हम इसको काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इस अपने क्लीनर को बॉटल में डालेंगे। हम इसको अच्छे से बॉटल में डाल लेंगे। और गाइस ये भी क्लीनर जो है यूज़ करने से पहले इसको हम अच्छे से शेक कर लेंगे और टाइटली बंद करेंगे। तो चलिए मैं इसको भी एक बार आपको दिखा देती हूँ कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। इसको हमने अच्छे से शेक कर लिया है, और चलिए अब इसको हम लोग देखिए, मैं स्प्रे कर रही हूँ इसको अच्छे से। किसी भी कॉटन के कपड़े से या टिश्यू पेपर को यूज़ कर सकते हैं, इसे हम लोग किसी भी वुडन फर्नीचर पे यूज़ कर सकते हैं इजीली, यहाँ से इससे जितना भी डस्ट होता है वो निकल जाता है। फ्रेंड्स, तो हमारे क्लीनर जो है वो बनके रेडी हो चुके हैं। ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, केमिकल फ्री है, और बहुत ही कम दामों में आप बन जाते हैं। इनके लिए बिल्कुल भी ज़्यादा से पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, और आप इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी कम पैसों में अच्छे क्लीनर को देख पाएँ और उन्हें इस्तेमाल कर पाएँ, और आप भी इसे ज़रूर